नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर के दौरे पर पहुंचे। सर्वप्रथम मां दंतेश्वरी के मंदिर में मत्था टेका, पूजा अर्चना कर सीधे आम सभा स्थल लालबाग पहुंचे, जहां हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार को जमकर नाकामयाब बताई। भूपेश सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि भूपेश सरकार कांग्रेस का पेटीएम का काम कर रही है, जो यहाँ की भोली भाली जनता का पैसा दिल्ली पहुंचाया करती है। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को खाड़ फेंकना है। भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी जिसने गौमाता के गोबर में भी भ्रष्टाचार किया हो। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस द्वारा नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विषय में भ्रामक प्रचार कर आदिवासियों और बस्तर वासियों को बरगलाया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर रुख क्लियर करते हुए इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि बस्तर की संपत्ति बस्तर के लोगों की है, इसका कोई दूसरा मालिक नहीं होगा। साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। हम जब सरकार में थे चावल खरीदना शुरू किया, हम जब सरकार में थे बस्तर के क्षेत्र को खुशहाल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार, एक जोर से झूठ बोलने वाली सरकार। अभी अभी कहा कि नगरनार स्टील प्लांट इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई निजीकरण नहीं होना है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।